छतरपुर जिले में शुक्रवार को दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं सामने आई हैं। एक दुर्घटना में जहां एक युवक की मौत हुई है, बाइक सवार युवक को ट्रैक्टर की टक्कर लगती है। घायल अवस्था में परिजन उसे जनरल अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन वहां उसकी मौत हो जाती है। दूसरी घटना जिले के बड़ा मलहरा क्षेत्र की है, जहां पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हुई है। पहली घटना की अगर बात कर ले तो छतरपुर जिले के चंदला में ये घटना हुई। चंदला लोकुशनगर मार्ग पर बड़े पुरवा के पास ट्रैक्टर और बाइक सवार की भिड़ंत होती है। बाइक सवार दो लोग घायल होते हैं। परिजन घायलों को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंदला पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर महेश पिता रामबाबू आदिवासी, जो बछौन तिराहे के पास का निवासी है, मूलतः निवासी महोबा उत्तर प्रदेश का है, उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। घायलों को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन वहां डॉक्टर मौजूद नहीं था। लोगों का कहना है कि करीब डेढ़ घंटे तक इलाज के लिए परिजन यहां वहां भटकते रहे। इलाज न मिलने की वजह से ही महेश की मौत हुई है, जिसके बाद मुख्य सड़क पर अस्पताल गेट के सामने शव रखकर जाम लगा दिया गया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। कई घंटे के बाद आखिरकार पुलिस और तहसीलदार की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारी माने और जाम खुल सका। 5:30 बजे थाना प्रभारी चंदला के द्वारा सूचना दी गई कि बछौन तिराहे पे महेश पिता रामबाबू, उम्र लगभग 18 वर्ष, निवासी महोबा मूल रूप से, लेकिन यहाँ पे रह रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रैक्टर जा रहा था, उसके पीछे बाइक पे ठोकर लगने से आम मौके पे ही महेश का निधन हो गया। उसके बाद उनके परिजन आक्रोश में आ गए थे और उनके द्वारा सड़क पर जाम लगाया गया। परिजनों को लगातार पुलिस के द्वारा समझाइश दी गई, साथ में तहसीलदार साहब भी थे, SDM साहब से भी संपर्क किया गया। उनकी प्रमुख मांग मुख्य रूप से यहाँ पे हॉस्पिटल में लगातार डॉक्टर बने रहे, इसके संबंध में था, और तो वो व्यवस्था भी करा दी गई और पुलिस के द्वारा समझाइश देने के बाद में परिजन मान गए हैं और अभी बॉडी को PM कार्रवाई के लिए मोर्चर में सुरक्षा कर पाया। सर, परिजनों में गुस्सा देखा गया, गुस्सा की क्या वजह सर थी? गुस्से की मुख्य वजह एक्सीडेंट के बाद में परिजनों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, और इसके अलावा आसपास के लोगों का और परिजनों का था कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर के लिए तत्काल SDM साहब से बात किया गया, उन्होंने यहाँ पे डॉक्टर की टेस्टिंग भी करवा। दूसरी बड़ी घटना की बात कर लेते हैं, जो बड़ा मलहरा से है। छतरपुर जिले के तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौली रेस्ट हाउस के पास, बड़ा मलहरा के मौली रेस्ट हाउस के पास कार की टक्कर से बाइक सवार पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। बर्मा निवासी देवेन चढ़ार 22 वर्ष अपने पिता धनीराम चढ़ार 45 वर्ष को मेल मार्ग में आयोजित नेत्र शिविर से आंखों की जांच कराकर मोटरसाइकिल से वापस लौट रहा था, तभी मौली रेस्ट हाउस के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिता पुत्र दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। दो लोग हैं, ग्राम बर्मा के रहने वाले देवेंद्र पिता धनीराम चढ़ार और धनीराम पिता प्रेमलाल चढ़ार जी, मेलवार से नित से गए शिविर से आके चेक करा कर आ रहे थे। सामने से बड़ा मलेरा तरफ से आ रही सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार ने सामने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई।